सलाम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह अलवर राजस्थान से कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की साइकिल यात्रा। आज मेरी यात्रा का मैं अपना 16वां दिन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और शाम को मैंने मंदिर में रात्रि विश्राम करा था। अभी सुबह पहले एक बढ़िया होटल था, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और ये होटल देव पैलेस है। तो इसमें हमारा नहाना धोना हुआ है और अभी नहा धो के हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आज सोमवार है तो मेरा फास्ट भी है, तो बस अभी महादेव का टेम्पल देख के और जलेब चेक करेंगे शिवलिंग पे, तो चलते हैं क्योंकि 9 बज चुके हैं। और फिर चाय वाय पियेंगे क्योंकि फास्ट में खाना वाना खा नहीं सकते, चाय पानी पी सकते हैं। तो जल अभिषेक करके हम चाय पानी पीते हैं। और फिलहाल मैं अभी वडनगर में रुका हूँ मध्य प्रदेश में, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो कमेंट में लिखे आर आर महादेव और भाई को प्यार सपोर्ट करते रहे। तो फाइनली दोस्तों, हम 15 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं और आज है सोमवार का मेरा फास्ट रहता है हर सोमवार को। तो यार आपको पता है बगैर एनर्जी साइकिल नहीं चलती। तो एक भैया ने कल हमें ये अंगूर दिए थे लेके, तो आज हम ये अंगूर खाएंगे और हमारे पास अमरूद भी रखे हैं। अभी अमरूद हम बाद में खाएंगे क्योंकि इससे हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा और हम फिर साइकिल आराम से चला पाएंगे। और बाबा मिले हैं जो कि राजस्थान के पाली से हैं और देख के दिल खुश हुआ कि हमारे राजस्थान के लोग और रेगिस्तान का जहाज ऊँटों के साथ और हमारे राजस्थान के कल्चर के साथ है ना लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है। तो बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ हमारे राजस्थान के लोग हैं। इनसे बात करके भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनसे थोड़ी बात करी थी तो ये कह रहे हैं हम पाली से हैं, तो अच्छा लगा इनसे बात करके। तो भैया कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से मैं हूँ। राजस्थान में कहाँ से आप? हम राजस्थान से पाली जिले में से। तो पाली जिले से भैया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? अपना भाई की भेड़ है ना। अच्छा अच्छा, भेड़ और ऊँटों के साथ है। तो ये खा लेती है क्या ये प्याज के? ये लहसन के हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं भी राजस्थान के अलवर का रहने वाला हूँ। वो मैंने पगड़ी वगैरह देखी तो मैं रुका कि मुझे राजस्थान के लोग आ रहे हैं। चलो आपसे मिलके अच्छा लगा। तो फाइनली दोस्तों, हमें अभी बैजनाथ महादेव मंदिर स्मारक बदनावर जिला धार मध्य प्रदेश में। और इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा बताया जाता है, किसी ने बनाया नहीं ना किसी ने स्थापित किया। ये मंदिर स्वयं प्रकट हुआ है। अभी कितने साल पहले हुआ है ये तो अपने को नहीं पता, पर जैसा बताया गया है वैसा हम आपको बता रहे हैं। और बहुत ही पुराना टेम्पल है। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं अंदर, जुड़े रहे हमारे साथ। अब दोस्तों, हम कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा अपनी कर चुके हैं और अब कुछ हमें ना आदिवासी इलाके में आ गया है जो हमारे राजस्थान से सटीक इलाका है, बांसवाड़ा है ना। तो उस तरह का कुछ व्यू देखो, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और दूर दूर तक देखो और इधर के ऐसे घर हैं जो कच्चे मकान ना, और मतलब ये बिल्कुल आदिवासी इलाका आ गया है। और यहाँ से अभी गुजरात का बॉर्डर शायद 90 से 95 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो आज का मेरा फास्ट है। तो भैया हमारे पास खाने के लिए ये एक महाराज जी ने दिए थे, एक संतरा, एक अनार और कुछ अंगूर है। तो ये खाते हैं और फिर अपनी भूख को शांत करके आगे की तरफ, अभी शायद 20 से 25 किलोमीटर और चलना है जहाँ पे हमें अपना रात्रि विश्राम करना है। और जिस दिन यार कुछ नहीं खाते पीते तो वह एनर्जी लेवल बहुत डाउन आ जाता है, इस वजह से अभी फ्रूट हमारा चारा बचा हुआ है यही खाएंगे और अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके चलाएंगे। बस आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और भाई कमेंट में बस सिर्फ हर हर महादेव लिखते रहे, चलते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और आज हम हैं आदिवासी इलाके में। बस MP का लास्ट है, इसके बाद हम शायद कल गुजरात में एंट्री कर जाएंगे। और यहाँ से शायद 15 से 20 किलोमीटर आगे एक सिटी है, सिटी का नाम तो खैर नहीं पता। और तो वहीं पे आज का हमारा रात्रि विश्राम हो सकता है। वैसे यहाँ का कुछ व्यू जिस तरह है और सूरज भी डूब चुका है और यहाँ पे है ना गेहूँ की कटाई स्टार्ट हो गई है होना। और ये अपनी साइकिल खड़ी है और बड़ी प्यारी लग रही है और ये इंडियन फ्लैग। और अभी यहाँ पे पता नहीं क्या खेती करेंगे, जो खेतों को है ना बिल्कुल रेडी कर रखा है। और ये बहुत ही अच्छी सड़क है, सड़क बहुत अच्छी है ये बात बोलूँगा। आज मैं कम से कम 70 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया हूँ, सड़क बड़ी अच्छी है ना, एकदम डाउन अप है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, साइकिलिंग करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं क्योंकि 7 बजे अंधेरा हो जाता है, उससे पहले हम चल के अपने रात्रि विश्राम की जगह देख लेते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही है ना प्यार सपोर्ट करते रहे और भाई को है ना एक लाइक, एक फॉलो, एक कमेंट जरूर करते रहे। हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों, आज का रात्रि विश्राम हुआ है नीलकंठ महादेव के चरणों में, जो कि पटेलाबाद जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में है। और अभी यहाँ पे आरती समापन हुई है और इधर हमारे बजरंगबली महाराज जी विराजमान है और बहुत ही अच्छा टेंपल है। और फिर अपनी साइकिल खड़ी है नीचे की तरफ और पंडित जी से आते ही बात हो गई थी कि रुक सकते हैं आप आराम से। और आज का हमारा फास्ट था तो खाना वाना तो खाएंगे नहीं, और अभी यहाँ पे बाबा कुछ संगीत करेंगे तो संगीत भी आपको दिखाने वाले हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना टेंपल बताया जाता है ये। और अभी आरती समापन हुई है बस, और अंदर से ये सामने त्रिशूल और नीचे गर्भ में विराजमान है।
तो आप कमेंट में हरे हरे महादेव जरूर लिखें। और इस साइड हाईवे है, हमें चलना है अभी आगे की तरफ। तो कुछ मंदिर प्रांगण के पीछे का व्यूज है अभी ना, सिटी के अंदर ही है ये, और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है ये देख। अभी खाना वाना तो कुछ खाएंगे नहीं, पर जो भी है अभी आपको अपडेट देते रहेंगे कहाँ पे सोते हैं कहाँ पे नहीं, और आप जुड़े रहे हमारे ब्लॉग से। और कमेंट में ना हर हर महादेव जरूर लिखें। नाम दोस्तों, तो फाइनली अपना रात्रि विश्राम हो चुका है। ये पटेलाबद जिला झबुआ मध्य प्रदेश में है, और ये शिव टेम्पल मैंने आपको पहले बताया था, शिव टेम्पल था। तो रात के 10:30 बज चुके हैं क्योंकि कीर्तन चल रहा था उधर, तो उस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और हमें सोने के लिए ये मिला है एक चारपाई, और इधर अपनी साइकिल खड़ी है। और खाना तो आज खा नहीं सकते क्योंकि अपना फास्ट था, तो कुछ नहीं खाया। और यहाँ के 3 भैया थे, उन्होंने एक दूध का गिलास पिलाया बाहर ले जाके मार्केट में, तो दूध बड़ा अच्छा था। अपनी भूख शांत हो गई, सुबह खड़े होके और अपना आराम से नाश्ता वास्ता करके नहा धो के निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यार आज पूरे दिन कुछ खाया नहीं तो भूख तो लगेगी। और कम से कम 70 से 75 किलोमीटर हमने साइकिल चलाई है और एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया था। अभी सोते हैं, सोने के लिए लोहे की चारपाई मिली है और अपना स्लीपिंग बैग है ना, और उधर साइकिल खड़ी अपनी। तो आज के लिए हमारे ब्लॉग्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हर महादेव जरूर लिखे, और भाई को अच्छा सपोर्ट करें। कल हम गुजरात में एंट्री करेंगे। तो हर महादेव।